यानी अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सिविलाइजेशन मतलब बेदाज का युग तो समझ में आ रहा है वो भी अर्ली फेज लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि वैदिक सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या फ़र्क था दोनों के बीच में जो सबसे पहला फ़र्क सबसे जो बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में वो ये था कि हरप्पन सिविलाइजेशन आमतौर पर एक शहरी सभ्यता थी यानी वहाँ पर हमने टाउन प्लानिंग देखा था किस तरह से यानी प्लान वे में घर बनाया गया था किस तरह से ड्रेन बनाया गया था किस तरह से यानी ग्रेट बाथ बनाया गया था ग्रेनरी बनाया गया था सब कुछ प्लैंड तरीका था ऑन ज्वेलर में हर पाव हर जगह लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन या हम ये कहें कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन जो था वो पूरी तरह से डिफरेंट था ये एक एग्रेडन सोसाइटी है एग्रेन सोसाइटी मतलब एग्रेड कल्चर मतलब ये एक एग्रीकल्चर पर बेस किया हुआ समाज था तो वो एक शहरी शहर के लोग थे शहर की सभ्यता थी और ये देखा जाए तो गांव की सभ्यता थी जहाँ पर वहाँ के लोग बिजनेस व्यापार ज़्यादा करते थे यहाँ के लोग एग्रीकल्चर पर ज़्यादातर डिपेंड रहते थे तो दोनों के बीच में ये बेसिक यानी डिफरेंस है हम लोग देखें यदि कि तो ये जो सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन उसमें आमतौर पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो देखें कौन से ऐसे लोग हैं एक्चुअली ये माना जाता है ये सभ्यता आर्यंस का माना जाता है ये जो सभ्यता है अर्ली वैजेशन ये आर्यंस का है तो आर्यंस जब इंडिया में आए तो कहाँ से आर्यंस का ओरिजिनल घर कहाँ पर है वो आकर के इंडिया में कहाँ बसे कहाँ रहे बहुत सारा सवाल यहाँ पर उठता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वैसे तो कोई श्योर होकर ये बोलना मुश्किल है फिर भी बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम फ्राम फ्रॉम द यानि कैस्पियन सी कैस्पियन सी वाले जब इलाके से रीजन से जो सेंट्रल एशिया है यानी सेंट्रल एशिया से ये लोग माइग्रेट होकर यहाँ पर आए एशिया में भी और यूरोप में भी यानी सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर ये एशिया में भी आए और ये यूरोप में भी गए इंडिया में जब वो आए तो वो शब्द सिंधु रीजियन में आकर पहले बसे शब्द सिंधु रीजियन यानी काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने यहीं पर अपना समय बिताया और ये जो रीजन जिसका नाम रखा सब सिंधु रीजन इसमें सात रिवर में ख़ासतौर पर इसमें पाँच रिवर है झेलम चेनाब री बीज एंड सतलुज इसके अलावा रिवर इंडस इसके बाद सरस्वती ये सब भी होती है तो सात रिवर और इसको यहाँ पर फर्स्ट परमानेंट हाउस फर्स्ट परमानेंट होम ऑफ द आर्यंस कहा जाता है इसके अलावा तो यहाँ से फिर पूरे नॉर्थ इंडिया में ये यानी माइग्रेट कर गए बट इनका पहला जो घर था वो था शब्द सिंधु रिजियन इसके अलावा आ, बाकी और जगहों पर यहीं से माइग्रेट हुए इंडिया में तो ये इनका ओरिजिनल घर था आर्यन का और इस तरह से यहाँ पर आर्यन सभ्यता ही अर्ली वैदिक सभ्यता है इसके अलावा देखें कि जो वैदिक लिटरेचर है इस यानी अर्ली वैदिक लिटरेचर अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो ज़्यादातर बेदाज से मिलती है तो बेदाज जो है वो हम उसको क्या कहते हैं बेदाज को हम दो पारें बांट सकते हैं यानी पहला हो गया यानी अर्ली वैदिक लिटरेचर और दूसरा हो गया लेटर वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक लिटरेचर को हमने दो पारें बांट दिया अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में अर्ली वैदिक में आता है रिग रिग बेदा ही पूरे पृथ्वी पर सबसे पहला लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट्स है कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वह है रिग बेदा ये जो चार बेदा होता है उसमें यह पहला बेदा है ये सबसे ओल्ड बेदा है सबसे पहला है और इस तरह से मानव जाति के लिए ये सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट्स है तो ये जो बेदा है जिसका नाम का रिग बेदा तो इसमें आमतौर पर क्या लिखा हुआ है इसमें डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेज के बारे में उनके तारीफ़ में उनको खुश करने के लिए मंत्राज लिखा गया है इसके जैसे खासतौर पर इंद्र के बारे में वरुण के बारे में अग्नि के बारे में उनको खुश करने के लिए बहुत सारे मंत्राज है। हैं इसमें आमतौर पर वन थाउजेंड ट्वेंटी एट हैं यानी इसमें मंत्राज हैं और इसको लगभग दस पार्ट्स में या दस बुक्स में इसको डिवाइड किया गया है या आमतौर पर फिफ्टी हंड्रेड बी से लेकर थाउजेंड बी सी तक यहाँ पर यह जो पीरियड है यानी अर्ली वैदिक पीरियड थाउजेंड बी सी तक यानी फिफ्टीन हंड्रेड बी से लेकर थाउजेंडीड पाँच सौ साल तक इसका यानी प्रभाव रहा है हम लोग देखते हैं कि इस जमाने के बारे में यानी अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन जो आज से लगभग यानी देखा जाए तो लगभग तीन हजार साल पहले था तो उसके बारे में जो जानकारी हमें मिल रही है उस जानकारी का सोर्स क्या है मतलब हम लोग को क्या सब जानकारी मिल रही है और किस किस आधार पर हम लोग यानी उस पीरियड को रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं तो पहला पीरियड अगर हम देखें तो उसको रिकॉन्स्ट्रक करने के लिए ये कह सकते हैं कि उस ऋग्वेदा में जो हमें मिल रहा है सो so, इंद्र इंद्र को सबसे फेवरेट गॉड माना जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में और उन्हें इंद्र को रेन गॉड यानी बारिश देने वाला बरसा बारिश देने वाला भगवान भी उन्हें माना जाता था रेन गॉड के रूप में दूसरे गॉड जो वहाँ पर होते थे सबसे ज़्यादा वो था अग्नि अग्नि वॉज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ सेक्रीफाइसल फायर लोग यज्ञ करते थे आहुति देते थे तो इस तरह से सेक्रीफाइस यज्ञनाज इनका बहुत महत्व था उस टाइम में और ये सब देव को ही प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, था। अग्नि भगवान अगनी देव को काफ़ी वहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जाता था, था उस पीरियड में इसके अलावा ये तो हो गया दो गॉड के बारे में इंद्र और अग्नि के बारे में उसके अलावा जो वरुण थे वो पवन थे ये सब गॉड के लोग पूजा करते थे पहले इसके अलावा यदि हम देखें तो जानवरों में खासतौर पर दो जानवर सबसे इम्पोर्टेंट होता था उस जमाने में एक होता था द और दूसरा बुल यानी बैल और गाय तो वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ ऑफ द रिग वैदिक पीरियड ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक आर्यस के लिए सबसे बड़ी संपत्ति अगर कुछ भी थी तो संपत्ति थी गाय और बुल इसके अलावा बहुत सारे अगर देखें वहाँ के तो ये हमने सोर्सेज देखा वहाँ से ये भी पता चलता है रिग से कि जो समाज था वो चार भागों में बटा हुआ था एक जो था वो पृथ्ली क्लास था यानी पूजा पाठ कराने वाला दूसरा वॉरियर्स हुआ करता था और तीसरा जो यानी खेत में काम करने वाले ट्रेड करने वाले चौथा जो सर्वेंट कैटेगरी के लोग होते थे चार कैटेगरी के लोग तो इसके अलावा आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि उस जमाने के लोग कौन कौन से मेटल से वाकिफ़ थे वाट टाइप ऑफ मेटल्स वेयर नॉन टू दैम एक्चुअली आई आई थिंक ओनली टू मेटल्स वेयर वेरी प्रोमिनेट इन दिस पीरियड एंड दे वेयर कॉपर एंड ब्रॉन्ज काफ़ी मात्रा में पाया जाता था आयरन का कोई नामो निशान नहीं था आयरन का इन्वेंशन नहीं हुआ था लोग आयरन के बारे में जहाँ कुछ नहीं जानते थे हम लोग देखते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी था वो कैसा था सोसाइटी के लिए हमें दो चीज़ समझ के रखना पड़ेगा एक चीज़ कि फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था दूसरा वोमेन का कंडीशन कैसा था तो वोमेन के कंडीशन की अगर हम बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वोमेन और मेन उस जमाने में दोनों को बराबर बराबर का अधिकार दिया जाता था, था दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था दोनों के लिए राइट्स एंड ड्यूटीज़ सेम थे दोनों को पूरी तरह से बराबरी के आधार पर एजुकेशन लेने का अधिकार था यानी वोमेन भी एडुकेशन ले सकती थी इसके अलावा वोमेन भी रिलीजियस राइट्स परफॉर्म कर सकती थी जैसे बाद में चलकर हो गया कि लेडीज जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकती धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकती तो वो सब चीज़ वहाँ पर नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में पूरी आज़ादी थी एजुकेशन लेने की भी और किसी तरह का यकनाज या, या किसी तरह के सेक्रीफाइस या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करने के लिए वो आज़ाद थी इसके अलावा वहाँ पर और इस तरह कई प्रमाण भी मिला है कि अपने हस्बैंड के बगल में बैठकर कर और रिचुअल्स परफॉर्म करती थी इसके अलावा उनकी पूरी आज़ादी थी अगर इसके अलावा भी लेडीज़ के बारे में देखें तो वहाँ पर मोनोगेमी का सिस्टम था यानी एक पुरुष एक ही शादी कर सकता है जो बाद में चलकर पॉलीगेमी पॉली कन्वर्ट हो गया इसके अलावा सती सिस्टम चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था जो बाद में आ गया तो सती सिस्टम चाइल्ड मैरिज पर्दा सिस्टम नहीं था मोनोगेमी का सिस्टम था लेडीज़ को पढ़ाई करने का रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने का पूरा अधिकार था और मेन के इक्वल उनको सारा राइट दिया गया था तो ये वोमेन का कंडीशन था जहाँ तक समाज के परिवार का बात है पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था और जॉइंट फैमिली सिस्टम में पेट्राचल फॉर्म ऑफ यानी पेट्राचल फॉर्म ऑफ सोसाइटी था यानी पुरुष प्रधान समाज था और सारे के सारे जो नियम कानून बनाए गए थे वो पुरुषों को ही यानी ऊपर रखकर बनाया गया था इसके अलावा जो यानी सबसे बड़े और बुजुर्ग होते थे घर में उन्हें गृहपति माना जाता था और उन्हीं के यानी उन्हीं को घर का मालिक भी माना जाता था उनको पूरी फैमिली के ऊपर उनका डोमिनेंस रहता था और समाज में भी उनका ही यानी लेकर उस फैमिली को रिप्रेजेंट किया जाता था तो ये सोशल कंडीशन था उस जमाने का इसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ की जो जाति प्रथा थी यानी समाज कितने पार्ट में डिवाइड था आमतौर पर समाज चार पार्ट में डिवाइड था पहला पार्ट था ब्राह्मण्स ब्राह्मिंस क्या होते थे द एक्सपैटेड दे एक्सप्लेन वैदिक टेक्स्ट जो बेदाज पढ़ते थे जितने भी रिलीजियस काम होते थे धार्मिक अनुष्ठान काम कराना पूजा पाठ वगैरह सब यही लोग समाज के लोगों को करवाते थे एडुकेशन लेना एजुकेशन देना पढ़ाई करवाना तो इसके अलावा रिलीजियस एक्टिविटी सब इनका काम था दूसरा ग्रुप था क्षत्रियाज ग्रुप क्षत्रियाज ग्रुप जो होते थे वो रूलिंग क्लास के लोग होते थे वो लोग राजा बनते थे और ब्राह्मणों की और गाय की रक्षा करना इनका अधिकार होता था ये लोग बड़े बड़े वॉरियर्स यानी योद्धा होते थे तीसरा था वैश्य वैश्य जाति के जो लोग होते थे वो आमतौर पर खेती बाड़ी का काम करते थे और साथ में बिजनेस व्यापार का काम भी इनके ही अधीन होता था इसके अलावा चौथा था शुद्राज, जो आमतौर पर नौकर का काम का करते थे लेबरर का काम का करते थे तो इस तरह से हमारा सोसाइटी इन चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्युपेशन था वो क्या था तो दो ही ऑकुपेशन वहाँ पर मेन था खास तौर पर उनका जो मेन ऑक्युपेशन था वो था एग्रीकल्चर और दूसरा था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों को पालना खेती करना जानवरों को पालना इसके अलावा बिजनेस व्यापार था उनका लेकिन उतना बुरा नहीं है तो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इनका दो मेन था अगर देखें कि वो लोग किस तरह के गॉड की पूजा करते थे तो एक लाइन में अगर कहें तो वो लोग नेचर गॉड की पूजा करते थे प्रकृति की गॉड जैसे कि अगर कहें तो वरुण इंद्र इसके अलावा पृथ्वी अग्नि ये सब गॉड की लोग पूजा करते थे तो ये इनका रिलीजियस बिलीफ था कि इन्हीं जितने भी यानी ये गॉड इस तरह थे नेचर गॉड इन सब की पूजा पेड़ पौधा का पूजा करना मिट्टी की पूजा करना पत्थरों की पूजा करना सन मून की पूजा करना सारे के सारे नेचर की पूजा करना ही इनका मेन काम होता था तो इस तरह से इस चैप्टर के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैंने एकदम प्रिसाइज में डिस्क्राइब कर दिया है इतनी बार समझ लेने के बाद पूरी अच्छी तरीके से इसको हम लोग अगर एक दो बार वीडियो को रिपीट करेंगे तो पूरा इसका क्लियर कॉन्सेप्ट हमें हो जाएगा सो अगर ये वीडियो तुम्हें तो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करना और साथ में अगर सब्सक्राइब न किया हो इसे इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि मेरा वीडियो तुम्हें जितना जल्दी हो मिलता रहे सो ओके थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू